नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग अपने दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज 7 अगस्त है। आइए चलो देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में भारी वर्षा का दौर कहाँ कहाँ रहा। तो भारी से अति भारी वर्षा और एक दो स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा, मतलब 7 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर तो हुई है। इसके अलावा 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी एक दो स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है, कोंकण, गोवा और उड़ीसा में। और भारी से अति भारी वर्षा, मतलब 7 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा दर्ज की गई उत्तराखंड, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तटीय और दक्षिणी कर्नाटक और केरला में। इसके अलावा भारी वर्षा, मतलब 7 सेंटीमीटर से लेकर के 12 सेंटीमीटर की स्तर की वर्षा दर्ज की गई एक दो स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में, आसाम में, गुजरात स्टेट में, तेलंगाना में, कोस्ट आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। अगर हम वर्षा की जो क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ हैं, मतलब कितनी वर्षा कैसी कैसी हुई, वो हमारी जो वेबसाइट वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आपको हम यहाँ पर समरी बता देते हैं। आइए आप देख लेते हैं सिनोप्टिक सिस्टम्स जो अभी भारत को प्रभावित कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक सुस्पष्ट दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। कल शाम को ये एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना था उड़ीसा तट के आसपास, और आज जो है ये सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है उड़ीसा और उससे सटे हुए आंध्र प्रदेश और उससे सटे हुए जो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी है वहाँ के आसपास बना हुआ है। और आने वाले 48 घंटे में ये डिप्रेशन में भी परिवर्तित हो सकता है। इसकी जानकारी हम अभी हाईलाइट्स में देंगे। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास बना हुआ है, 1.5 क्षोभमंडल उससे ऊपर। और इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है आपका वेस्ट राजस्थान और उसके आसपास निम्न क्षोभ मंडल में। इसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ है कल का, वो आज वहीं पर जो आपका केंद्रीय पाकिस्तान है, सेंट्रल पाकिस्तान, वहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो है जो आपका ईस्ट सेंट्रल अरब सागर है उससे सटा हुआ, जो नॉर्थ ईस्ट अरब सागर, वहाँ पर एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है। और जो मानसून ट्रफ आप देख सकते हैं अपनी सामान्य स्थिति से नीचे यानी कि साउथ में रन कर रही है। तो ये आपके सिनोप्टिक सिस्टम से। अब हाईलाइट की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि एक निम्न सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र जो नॉर्थ वेस्ट और उससे सटा हुआ जो वेस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा और उससे सटा हुआ जो उत्तरी आंध्र प्रदेश तट है वहाँ पर बन गया है। और इसकी संभावना है कि ये आने वाले 48 घंटों में डिप्रेशन में भी परिवर्तित हो सकता है और उसके बाद ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होते हुए। दूसरा जो हाईलाइट है वो ये है कि भारी वर्षा का दौर जो है उड़ीसा में आज से लेकर के आने वाले 4 दिनों तक, यानी 7 से 10 तारीख के बीच में, कोंकण और गोवा और घाट एरिया जो है मध्य महाराष्ट्र को उसमें 7 से 11 तारीख के बीच में, तेलंगाना में 7 से 9 के बीच में, छत्तीसगढ़ में 8 से 10 के बीच में, गुजरात रीजन में 8 से 11 के बीच में, सौराष्ट्र कच्छ में 9 से 11 के बीच में अगस्त में अच्छी वर्षा मिलने की संभावना है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि भारी वर्षा जो है एक दो स्थानों पर हो सकती है, झारखंड में 9 और 10 तारीख को, उड़ीसा में 10 तारीख को, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में 7 और 8 तारीख को, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 7 से 9 अगस्त के बीच में। वहीं पर भारी से अति भारी वर्षा भी उड़ीसा में देखने को मिल सकती है 8 और 10 तारीख को, और गंगेय पश्चिम बंगाल में 9 और 10 अगस्त को। इसके अलावा अत्यंत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है उड़ीसा में 7 से लेकर 7 तारीख को और 9 तारीख को। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि उड़ीसा में 7 से लेकर के 10 तारीख के बीच में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा गंगेय पश्चिम बंगाल में भी 9 और 10 तारीख को भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो 9 से 11 के बीच में यहाँ पर भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 9 और 10 तारीख को भारी से अति भारी वर्षा, और छत्तीसगढ़ में 8 और 10 तारीख को, गुजरात रीजन में 8 तारीख को, सौराष्ट्र कच्छ में 9 और 10 तारीख को, मराठवाड़ा में 9 तारीख को भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा अत्यंत भारी वर्षा एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है, छत्तीसगढ़ में 9 तारीख को, कोंकण और गोवा और जो घाट एरिया है मध्य महाराष्ट्र के वहाँ पर 7 तारीख से लेकर 11 के बीच में, और गुजरात रीजन में 9 तारीख से 11 के बीच में, सौराष्ट्र कच्छ में 11 अगस्त को भारी से अति भारी वर्षा, और एक दो स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा भी इन स्थानों पर देखने को मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है, आप देख सकते हैं कि भारी वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है
तटीय आंध्र प्रदेश में 8 और 9 तारीख को, उत्तरी इंडियन कर्नाटक और केरल में 7 से 11 तारीख के बीच में, रायलसीमा में 7 को, और कोस्टल और दक्षिण इंडियन कर्नाटक में 10 और 11 अगस्त को। आप देख रहे हैं कि भारी से भारी वर्षा भी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 7 तारीख को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कोस्टल जो तटीय और दक्षिण इंडियन कर्नाटक है उसमें 7 से 9 के बीच में देखने को मिल सकती है। वहीं अत्यंत भारी वर्षा तेलंगाना में 8 और 9 अगस्त को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो आज के दिन में 7 तारीख को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा दो स्थानों पर मिल सकती है, और राजस्थान में 7 से लेकर के 9 अगस्त के बीच में भारी वर्षा का दौर रहने की संभावना है। और इसी क्रम में भारी वर्षा से अति भारी वर्षा उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है 10 तारीख को, और पूर्वी राजस्थान, खासतौर से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 10 और 11 अगस्त को देखने को मिल सकती है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं हमारा जो मल्टी हजार्ड मैप है, आप देख सकते हैं लाल कलर दिया है उड़ीसा और कोंकण, गोवा और घाट एरिया जो मध्य महाराष्ट्र के वहां पर, क्योंकि वहां पर अत्यंत भारी वर्षा एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है आज के दिन में। इसके अलावा जो ऑरेंज कलर हमने दिया है तेलंगाना को, तटीय आंध्र प्रदेश को, और इसके अलावा दक्षिण कर्नाटका को, क्योंकि वहां पर भी भारी से अति भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें 8 तारीख की तो लाल कलर तेलंगाना, कोंकण, गोवा और जो आपका घाटी एरिया जो मध्य महाराष्ट्र में वहां पर दिया गया, जबकि ऑरेंज कलर जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और दक्षिण इंटीरियर कर्नाटक और गुजरात रीजन को दिया, क्योंकि वहां पर भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। 9 तारीख को आप देख सकते हैं उड़ीसा से लेकर के पूरा ही सब डिवीजन आप देख सकते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के चारों सब डिवीजन, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात स्टेट के दोनों सब डिवीजन, गुजरात रीजन और सौराष्ट्र, कच्छ और तटीय और दक्षिण कर्नाटका में भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। और उड़ीसा में जैसा कि मैंने पहले ही बताया 9 तारीख को जो है आप देख सकते हैं कि अत्यंत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अत्यंत भारी वर्षा छत्तीसगढ़ को हमें भी 9 तारीख को देखने को मिल सकती है, और इसके अलावा जो घाटी के जो मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा और तेलंगाना में भी भारी से भारी और अत्यंत भारी वर्षा 9 तारीख को देखने को मिल सकती है। 10 तारीख को आप देख सकते हैं कि पूरा ये ऑरेंज कलर ऑलमोस्ट वैसा ही दिखाई दे रहा है, यानी कि भारी से भारी वर्षा आपको देखने को मिल सकती है इन इलाकों में। और 11 तारीख को आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर दिया गया है खासतौर से पश्चिम मध्य प्रदेश को, पूर्वी राजस्थान को, गुजरात स्टेट को, कोंकण, गोवा और जो घाटी एरिया मध्य महाराष्ट्र के वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भारी से भारी वर्षा, और खासतौर से जो गुजरात स्टेट, कोंकण, गोवा और जो मध्य महाराष्ट्र है वहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा भी एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। तो ये रही आज की चेतावनियाँ। आप हमारी अधिक जानकारी के लिए हमारी प्रेस रिलीज, हमारी वेबसाइट mausam.ind.gov.in को फॉलो कर सकते हैं। फिशरमैन बांधने के लिए हमारा RSMC पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी फिशरमैन बांधने के लिए RSMC के लिए एक डेडिकेटेड पेज है, वहाँ पर भी आप उनकी नेशनल बुलेटिन को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो प्रेस रिलीज होता है डेली mausam.ind.gov.in, उसको भी प्रीफर कर सकते हैं, सोशल मीडिया को विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।